भाई स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। भाई आज हम लोग चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे आए हैं और जैसे कि आप सभी का कमेंट आ रहा कि भाई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का ब्लॉग चालू करो, भाई ब्लॉग आ नहीं रहा। तो आज आप सभी के लिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज हम आ चुके हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। भाई जैसे कि पीछे देख रहे हो काफ़ी सारा काम चल रहा है भाई और काफ़ी दिनों बाद हमें आने का मौका मिला है। तो ये प्रॉपरली भाई देख लो कितना सारा काम हो गया। तो भाई इधर भी देखोगे पार्किंग की काफ़ी सारी सुविधा बन रखी है और भी दूसरे तरफ तो भाई बहुत ज़्यादा ही काम हुआ है। तो इसके और भी मज़े आने वाले हैं। जब पिछले ब्लॉग में आए थे तो भाई तो ये कुछ ऐसा नहीं बना था, बहुत कम था, पर अब की बार तो ग्लासेस भी लग गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और काफ़ी मज़ा आने वाला भाई इस ब्लॉग में, तो चैनल पर बने रहो। इसके साथ ही भाई इधर भी काफ़ी पिछले बार के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इधर प्लेटफॉर्म का काम हो रहा है। इधर का काम तो दिख ही रहा भाई इतना सारा हो रहा है। तो चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक पे और दिखाते हैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक पे कैसा काम हुआ है। तो भाई फाइनली हम चंडीगढ़ वाले रेलवे स्टेशन के साइड को आ चुके हैं और मेरे बैक साइड में भाई प्लेटफॉर्म नंबर एक का रेलवे स्टेशन की एंट्री है। तो चलो और मैं ये दिखाना चाहता हूँ भाई पिछले ब्लॉग में ये कुछ नहीं बना था, बिल्कुल बहुत कम काम हुआ था, पर इसके थोड़े दिन बाद ही आए भाई इतना सारा काम हुआ है और आपको दिख रहा होगा कि भाई कितना सारा हो रहा है। और इसके साथ ही भाई यहाँ पे पावर जनरेटर हाउस भी बन रहा है और ताकि आने वाले रेलवे जो कुछ समय में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का भाई बहुत तगड़ा रोड शोर से होने वाला है जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो भाई ये सामने इसका वो भी दिख रहा होगा आपको कि भाई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का कैसा होगा। ये भाई अपना पुराना लुक है, ये तो है पर थोड़े समय बाद ये भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर एक पे और उसके बाद दिखाते हैं। चलो तो भाई फाइनली हम अभी आ चुके हैं पचकूले वाले साइड और मैं इधर का व्यू दिखाने वाला भाई। इधर तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है और दिखने को भी मिलता है। और भाई ये यहाँ पे भाई पिछले बार में पेड़ पौधे ही इतने सफ़ेदे के पेड़ थे, तकरीबन 2-3 हज़ार भाई पेड़ थे, ये जहाँ तक नज़र जाता भाई सारा जंगल था। ये तो जंगल को काट के इतना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन के लिए बना दिया। और ये भाई यहाँ हम मैच खेलने भी आते थे। और भाई मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये देख लो भाई कितना तगड़ा वाला यहाँ काम हुआ है और तकरीबन 50-60% ये भाई यहाँ काम हो चुका है। और यहाँ पे भी अभी मलबा और गिरा हुआ मशीन भी इतने लंबे लंबे लगे हुए हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला भाई। और यहाँ का भाई सैंडविच भी काफ़ी तगड़ा मिलेगा, इधर का अच्छा लगेगा भाई। ये सामने पंचकूला पर जाता है, आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो भाई मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि भाई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आने वाले समय में बहुत तगड़ा आने वाला है। और भाई यहाँ पे पेड़ पौधे और भी लगा दिए गए फूलों के, तो फूल थोड़े थोड़े दिख भी रहे हैं। और भाई ये देख लो कितने मोटे मोटे लोहे का यूज करते हैं रेलवे स्टेशन को बनाने में, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि भाई आज है विश्वकर्मा पूजा इसलिए सारी मशीनें बंद है, तो इस करके भाई यहाँ कोई भी मशीन चल नहीं रही है, ना कोई वर्कर काम कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ होलीडे है। और जैसे कि भाई मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि भाई इतना तगड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है। तो भाई देखते हैं कि ये रेलवे स्टेशन कब तक तैयार होता है, रेलवे स्टेशन कब तक तैयार होता है। और उसके बाद अगर जब इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होता है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आने की। और अभी चलते हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, फिर वहाँ का थोड़ा सा देखते हैं हाँ भाई रेलवे स्टेशन के ऊपर कितना काम हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग भाई सामने इधर जाओगे तो 2-3 पुतले आपको स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। चलो उधर तो अभी जाने नहीं क्योंकि भाई काफ़ी लेट हो रहा है ब्लॉग में, पहले लेट हो गया आज, अभी हमें घर भी निकलना है। तो भाई पार्किंग की आने वाले समय में कोई वो नहीं आने वाली क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ी जगह बनने वाली है और है। भाई ये देख लो यहाँ पेड़ पौधे यहाँ पे लगा दिए हैं कि भाई जब तक रेलवे स्टेशन तैयार होगा जाएगा तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन भी हरा भरा हो जाएगा। चलो भाई चलते अभी एक्सीलेटर से रेलवे स्टेशन पे, फिर वहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ। भाई ये देख लो यहाँ से प्रॉपरली एंट्री होगी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाने का,
ये देख लो भाई, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, आज भाई विश्वकर्मा पूजा, तो पूजा करके मशीनों को बंद कर रखी है। तो चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर पे, और प्लेटफॉर्म पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अभी फाइनली हम प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ चुके हैं, और ये भाई कितना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस प्लेटफॉर्म पे भी अभी बहुत सारा काम हुआ है भाई, ये शायद और दल गई है, लाइटें लुइटें लग गई है, तक एक तरह से भाई प्लेटफॉर्म नंबर 6 है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है। और ये जहाँ भी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था पार्किंग, शायद ये रहेगा। तो तकरीबन भाई प्लेटफॉर्म नंबर 6 प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है, और अभी चलते प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कैसा काम हुआ है। तो चलो बनते आगे से राउंड लेकर चलते हैं। अभी एक साबरमती एक्सप्रेस भी आने वाला, तो उसमें देखते हैं कि भाई न्यू रूल आने के बाद से स्लीपर क्लास में कैसे भीड़ है लखनऊ यूपी बिहार जाने वाले ट्रेनों में, तो उसका भी आज एक्सप्लोर करेंगे एक ही ब्लॉग में। तो चैनल पे बने रहो भाई। इसी के साथ ही बोलना चाहूँगा कि चैनल पे भाई पहले बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना यार भाई, कि तो आप और दिखा रहे हो और अच्छा और है कि और दिखाओ भाई। तो चलो चलते हैं। तो भाई फाइनली हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुके हैं, और हमारे सामने आ रही साबरमती एक्सप्रेस। भाई ये देख लो, एक ट्रेन आ रही है साबरमती एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। तो इस ट्रेन में देखते हैं भाई भीड़ कैसा, ये कुरुक्षेत्र तक साबरमती तक जाने वाली है अम्बाला कुरुक्षेत्र के रास्ते। तो देखते हैं इसमें भीड़ कैसा भाई, और उसके बाद मज़ा कैसे आता है इस ब्लॉग में। अगर भाई लोग अगर इस चैनल पे बने हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैनल पे, तो बने रहो। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज प्रॉपरली भाई रिव्यू मिलने वाली है काफ़ी समय के बाद। तो चलो चलते हैं, ट्रेन का इंतजार करते भाई, हौले हौले करके ये इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो चलो मिलते हैं। तो भाई ये फाइनली साबरमती एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और इसमें भाई काफी भीड़ है भाई, देख लो मुस्कुराते हुए। और भाई गोप्रो को भी पता नहीं क्या हो गया भाई, भाई ये देख लो चाय के लिए भाई पूछते हुए। भाई ट्रेन में कुछ ऐसा भीड़ तो नहीं है, खाली खाली जा रही ज्यादा कि दिख रहा है ट्रेन में ना। ये देख लो भाई, भाई लोग हाई करते हुए जा रहे हैं। भाई ट्रेन तो तकरीबन खाली खाली जा रही है ना, तो भाई लग रहा है कि न्यू रूल के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस हुई है स्टेशन के प्लेटफॉर्म और पे भी। भाई ये एसी क्लास है तो इसका तो कोई हो ही नहीं है। बाकी अगर आप कहते तो अभी बहुत जल्दी यात्रा आने वाली है कि भाई चंडीगढ़ टू छपड़ा का, तो जो भी देखने वाले तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रहो यार, बेल आइकन भी ऑन कर देना, कि बहुत जल्दी भाई आने वाला है ब्लॉग आने वाला, तो ज़रूर देखना भाई। सबसे पीछे हमारा जनरल कोच है, तो उसमें देख लो क्या सब सीन है। भाई ये हमारा जनरल कोच का हाल है, ठीक ही है। फाइनली भाई साबरमती ये ट्रेन आ चुकी है, और भाई काफ़ी पास हो चुकी। तो फाइनली भाई यार साबरमती एक्सप्रेस आ चुकी है, और भाई हमारा गोप्रो जो है वो काम नहीं कर रहा, तो गोप्रो से शूट नहीं कर पाया, फोन से किया तो चलो वो भी अच्छा शूट होता है फोन से भी, पर गोप्रो से भाई थोड़ा अच्छा लगता है। तो देखते पहले गोप्रो सही करते, क्योंकि अभी भाई बहुत कुछ दिखाना है,
तो चैनल पे बने रहो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दो यार। यहाँ सामने लग चुकी है भाई साबरमती एक्सप्रेस, तो देखो अभी एक पे भी कोई ट्रेन आने वाली तो उस पे मिलते हैं ना भाई। फाइनली हम प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आ चुके हैं और भाई काफ़ी बुरा लग रहा है यार, गोप्रो भाई ख़राब हो चुका है, उसमें एसडी का सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अभी यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस जा रही है और इसमें अभी देखते हैं हम इसका भी डिपार्चर दिखाते हैं। और बुरा लग रहा है यार भाई, गोप्रो यार ख़राब हो गया यार, मैं अभी देखा भाई उसमें एसडी का भी सपोर्ट नहीं कर रहा यार, बल्कि प्रॉपरली उसमें होता था उसे हमने कई सारे ब्लॉग भी शूट किया है। तो ये पहले डिपार्चर देख लो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक से। भाई फाइनली पीएमयू भी चल चुकी है और चलते हैं भाई प्लेटफॉर्म नंबर एक पे लास्ट में चलते घर। और भाई मूड ऑफ हो गया हमारा, गोप्रो हो चुका है ख़राब, तो वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा भाई, तो देखते हैं अभी और शूट कर पाते नहीं कर पाते, नहीं तो चलते घर, मूड ख़राब हो रहा है भाई, गोप्रो हमारा ख़राब हो चुका है। और मैं उसका वो सीन भी दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। भाई प्रॉपरली मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पे, और जहाँ से भाई हमने ब्लॉग चालू किया था अभी हम वहाँ पे आ चुके हैं। और भाई इधर का ही ऐसा कोई सीन है, काफ़ी खाली खाली रेलवे स्टेशन लगता है। और भाई पंछी मशीनें अभी तो फिलहाल यही दिख रही है, पर आने वाले समय में भाई बहुत तगड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है। और भाई अभी शायद ट्रेन आ रहा है, हम तो अभी जा रहे हैं घर, और इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। भाई प्रॉपरली आपको पता भाई हमने इतने मुश्किल से एक गोप्रो कैमरा ख़रीदा था, अभी वो भी ख़राब हो चुका है पता नहीं, क्योंकि भाई हमने काफ़ी दिन से यूज भी नहीं किया, तकरीबन एक महीना हो गया हमने यूज कोई नहीं किया। बुरा लग रहा है भाई, दिल से रोना आ रहा है मेरे को। चलो चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।